जी बेटा, क्या हम आज खिलौने ले सकते हैं? खिलौने? बेटा जब भी कभी मार्केट आए खिलौने ले दें, ये ले दें, वो ले दें। बेटा ये कब तक चलेगा? अभी तो इन चीजों से बेटा अलग हो जाओ, अब बड़े हो गए हो आप। आउटिंग के लिए 2 घड़ी यहाँ पे आ जाता हूँ और ये लो। बंदा किन हालात से गुजरता है, बच्चों को तो एहसास ही नहीं होता। किसने कहा था शॉपिंग की बात करो? चलो उतरो। जब भी सैलरी लेट होती है तब पापा का मूड ही ऑफ हो जाता है। हाँ सही बात है, फिर उनको बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता है। वो देखो 1000। वाह देखो ये तो असली है। चुप 1000 अभी? 1000 वो कितने होते हैं? ओ पागल, ये उतने होते हैं जितने बकरी के बाल। हाँ जमजम है अभी? ये कौन सी साइज है? जमजम मुसा, इससे हम बहुत सारी ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, ठीक है? हाँ मैं बहुत सारे खिलौने भी लूंगी। नहीं अभी, ये जिसके पैसे हमें उसको लुटाने चाहिए। मतलब ये कि हमें रिसेप्शन पे इंफॉर्मेशन देना होगी कि ये पैसे हमें मिले हैं। तुम कौन होते हैं फैसला करने वाले? पैसे मुझे मिले तुम्हें नहीं। हाँ आपको नहीं आप ही को। ओ भाई मूवी में नहीं देखा, कोई चीज मिलती है तो चुप हो जाते हैं। मैं चुप नहीं करने वाला, मैं पापा के पास जा रहा हूँ और रिसेप्शन पे जा रहा हूँ बस। ओ रुको रुको रुको, इधर आओ बात सुनो। जी बोलो आप ही। देखो मूसा ऐसा करते हैं, तीनों हम 50-50 कर लेते हैं। हाँ 50-50। अगर आप दोनों 50-50 ले लोगे तो मुझे क्या मिलेगा? ओ पगली तू भी तो बीच में ही है, आधे तेरे। ये बात गलत है अभी, आप मुझे 50% दो या 100%। बस मैं चुप नहीं रहने वाला। अभी आप ऐसा करो, भाई के पैसे मुझे दे दो, मैं बहुत सारे टॉय लूंगी। चुप कर इतनी तो तेज। अभी एक लम्हे के लिए सोचो। क्या सोचूं? किसी को अभी अभी सैलरी मिली हो तो फिर, और उसके पैसे गिर गए हो। हो सकता है कोई बेचारा दवाई लेने जा रहा हो, हो सकता है किसी बच्चे की फीस हो। आप भाई के मुंह ना लगो, मेरा मुंह है बंद। हम दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं। ओ वेरी गुड, देखा कितनी समझदार है ये। ये समझदार नहीं नादान है। क्या पता हम किसी की मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हो, क्या पता कोई बहुत जरूरतमंद हो। प्लीज आपी लालच छोड़ दो, हमें ये मिलके ये पैसे वापस पहुंचाने चाहिए। आपी अब मैं भाई के साथ मैनी टॉयज लूं, हम पैसे वापस करेंगे। आपी अब आप ही मान जाओ। ठीक है मूसा, हमें ये पैसे वापस करने चाहिए। हो सकता है कोई गरीब यहाँ से गुजरा और उसके पैसे नीचे गिर गए हो। मैंने गलत किया। चले आए पापा को बताते हैं। पापा आप? पापा आप कब आए? आप यहाँ पर कैसे आए? हम आपके पास ही आ रहे थे। बेटा मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, मुझे आप लोगों का फैसला बहुत पसंद आया। अब आपको फौरी तौर पे जाना चाहिए और रिसेप्शन में बताना चाहिए। चले जाए, शाबाश। पापा, जब हमने रिसेप्शन पे पैसे जमा कराए तो उन्होंने इनाम के तौर पर 1000 रुपीज का हमें गिफ्ट वाउचर दिया। ये पापा, अब हम जी भर के शॉपिंग करेंगे। ये देखा मेरे बेटे, ये है आप लोगों का इनाम जो आपको हकीकत में मिला है। वेल डन, बहुत खुशी की बात है बेटा, ऐसा ही करना, आइंदा भी यही जज्बा होना चाहिए। वेल डन, शाबाश। रियली पापा, हमसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। अगर हम पैसे वापस ना करते तो बहुत बड़ी नेकी से रह जाते। चलो फिर। हेलो फ्रेंड्स,
फ्रॉम दुबई। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। लव यू ऑल, बाय बाय।